हेलो दोस्तों दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गीतांजलि आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास खबरों पर फिर चर्चा करने वाले हैं जिनसे राजस्थान पीएससी की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने या बनाए जाने की संभावना होगी तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन है आर करंट अपडेट आज के हमारे सेशन का पहला सवाल है हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान कब से शुरू हुआ है ऑप्शन है पंद्रह अगस्त सोलह अगस्त सत्रह अगस्त या अठारह अगस्त इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पंद्रह अगस्त तो अभी हाल ही में राजस्थान में टीवी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ताकि लोगों में टीवी का जो भय है उसे कम किया जा सके और ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर ही इस रोग के प्रति लोगों में जागरूकता हो और लोग इससे निदान के लिए जितने जल्दी जल्दी उपचार कर सके इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान में राजस्थान टीवी मुक्त अभियान शुरू करने की बात कही है तो अभी 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हो गई है और इस अभियान को 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक के लिए शुरू किया गया है और इसे ही राजस्थान टीवी मुक्त अभियान कहा गया है दरअसल यह अभियान हमारे राष्ट्रीय लेवल पर यदि हम चर्चा करें कि 2025 तक भारत को टीवी मुक्त घोषित करने के लिए राजस्थान की यह पहल है ताकि राष्ट्रीय लेवल पर जो हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है उसे जल्द ही प्राप्त किया जा सके तो राजस्थान कब से कब तक इस अभियान को चलाने वाला है 15 अगस्त 2022 से 24 अप्रैल 2023 तक और यदि बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हो गई है राजस्थान में तो 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो गई है जो पंचायत के स्तर पर पहले लोगों को जागरूकता फैलाएगा और उस उन सभी इलाकों में ऐसी व्यवस्था करेगा दवाओं की व्यवस्था करेगा ताकि जैसे ही लोगों को टीवी आदि रोग होते हैं तो उनके तुरंत निदान या शीघ्र उपचार उसका किया जा सके तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है राज्य में कहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल कंप्यूटर सखी शुरू की गई है याद रखिएगा सवाल क्या है कंप्यूटर सखी के संदर्भ में पूछा गया है किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है प्रदेश में ऑप्शंस हैं झुंझुनू सीकर पाली या चुरू इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी चुरू तो पहले तो इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग एक हजार महिलाएं शामिल की गई थी और एक हजार महिलाओं को प्रशिक्षण आदि के लिए जो सरकारी स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर लैब्स हैं वो वहां पर उनको प्रशिक्षण दिया गया था ताकि, ताकि वो डिजिटल रूप से शिक्षित हो सके और अपनी आर्थिक भागीदारी निभा सकें तो अभी यदि हम प्रदेश की बात करें तो कहाँ से किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है चुरू जिले से इस अभियान की शुरुआत की गई है और अब उसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं पूरे जिले में जिसमें छिहत्तर हज़ार महिलाएं लगभग शामिल हैं इन महिलाओं को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी कंप्यूटर से जुड़े उनके कार्यक्रम हैं उनको संचालन कर सकें और वहां पर अपनी गतिविधियों में भागीदारी निभा सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें इस तरह यदि पूछा जाता है कि किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है तो ऑप्शन डी चुरू जिला इसका सही जवाब हो जाएगा आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है कंप्यूटर सखी जो महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण से या आर्थिक रूप से सशक्त हो सके इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है हाल ही में किसे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शंस हैं पीएस मेहरा मधुकर गुप्ता खेमराज चौधरी या हेमंत सिंह इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मधुकर गुप्ता यानी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी किसे नियुक्त किया गया है मधुकर गुप्ता जी को जो कि आई अधिकारी हैं रिटायर्ड आई अधिकारी हैं इससे पहले वहां पर कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तो पीएस मेहरा इससे पहले वहां पर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और वर्तमान में मधुकर गुप्ता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लेवल पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात कही गई है यदि बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि राज्य में जो बनाया जाता है वे किस लेवल पर किन किन क्षेत्रों के चुनाव के संचालन के लिए बनाया जाता है तो पंचायत के चुनाव और नगर पालिकाओं से जुड़ी जो भी चुनाव है या नगर निकायों और ग्राम पंचायतों से जुड़े जो चुनाव है इनका संचालन करता है कौन राज्य का मुख्य राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयुक्त की इसमें मुख्य रूप से भागीदारी होती है तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है अमेरिकी तकनीक की आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाई गई है यहां पर यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह देश में पहली बार हुआ है और प्रदेश के लेवल पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह सवाल राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है तो यदि पूछा जाए कि किस जिले में अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी ने एक आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लगाने की बात कही है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीकानेर यानी बीकानेर में राजस्थान के बीकानेर में यह जो ट्रीटमेंट प्लांट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसे लगाया जा रहा है और अगले हफ्ते इसका जो पूरा पूरी तरीके से इसका संचालन शुरू हो जाएगा और सितंबर के फर्स्ट वीक से ही राजस्थान के बीकानेर जिले के लगभग एक लाख घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो पाएगी या स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाएगा यदि ऐसा पूछा जाए कि जो ये ट्रीटमेंट है इसमें किस तरीके के फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है तो इसके अंतर्गत जो फिल्ट्रेशन है उसे एम डी यू फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं यदि एमडीयू फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो इसमें एक तीस नैनोमीटर की एक मैमब्रेन लगाई जाती है इससे जो पानी में उपस्थित जो भी कचरा है या बहुत ही नैनो लेवल पर उपलब्ध जो कलर है आदि से फिल्टर हो जाता है और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हो पाती है तो अमेरिका की यह तकनीक कहां पर लगाई जा रही है राजस्थान में बीकानेर जिले में यह लगाई जा रही है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल राज्य में कहां पर शुरू किया जाएगा ऑप्शन है जयपुर अलवर दौसा या पाली इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर यानी एडवांस तकनीकी से लैस एक पहले ऐसे स्कूल की शुरुआत की जा रही है जिसे फिनिशिंग स्कूल कहा जा रहा है फिनिशिंग स्कूल इस संदर्भ में कहा जा रहा है राज्य के वे युवा जो पूरे देश में या कहें कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में चाहे वे क्वांटम कंप्यूटिंग हो चाहे वो बिग डेटा एनालिसिस आदि ऐसी थ्योरीज हो उन पर यदि वह काम करना चाहता है तो इसके लिए उनके लिए एक फिनिशिंग स्कूल की शुरुआत की जा रही है कहां पर की जा रही है राजस्थान में जयपुर में की जा रही है इस पूरे स्कूल की व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया जाएगा जो ऐसे कोर्सेज का संचालन करेंगे जो फुल टाइम होंगे या तो डिप्लोमा वाले होंगे ताकि जो भारत के बच्चे हैं वे यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो ये कंपनियां काम कर रही हैं बड़ी बड़ी उनके लिए उनका प्रशिक्षण यहाँ पर पूरा किया जा सके तो ऑप्शन ए जयपुर इसका सही जवाब है यानी जयपुर में एक ऐसी एडवांस तकनीकी वाले स्कूल की शुरुआत की जा रही है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है निम्न में से किसको आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 15 अगस्त को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक मिला है ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी प्रवीण तोमर संजीव निगम या निशांत जैन इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी यानी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को जो कि राजस्थान में ही कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक मिला है क्योंकि इन्होंने राज्य के लेवल पर विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ आदि जैसी समस्याएं आई हैं तो आपदा प्रबंधन को लेकर इन्होंने बेहतरीन काम किया है और बाढ़ जैसी समस्याओं में इन्होंने लगभग सात से आठ नागरिकों की भी जान बचाई है इसके लिए इन्हें पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से कई अच्छे पुरस्कारों से नवाजा गया है और अभी हाल ही में पंद्रह अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ऑप्शन है महावीर प्रसाद शर्मा डॉक्टर सीपी जोशी हेमलता जोशी इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर सीपी जोशी यानी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है डॉक्टर सीपी जोशी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है निम्न में से किसको राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ऑप्शन है वाजेब गिरिराज गुर्जर रघुवीर जांगिड या मुकेश मीणा इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए वाजिब अली यानी हाल ही में राजस्थान में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष वाजिब अली को नियुक्त किया गया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है राजस्थान राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब की गई है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने प्रदेश के कितने वयोवृद्ध संस्कृत विद्वानों को पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है आपके ऑप्शन हैं 10 11 12 13 इस सवाल का सही जवाब है कि राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने यदि पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में 12 ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है जो संस्कृत भाषा के विद्वान है यानी ऑप्शन सी बारह इसका सही जवाब होगा बारह वयोवृद्ध संस्कृत भाषा के विद्वानों को उन्होंने सिलेक्ट किया है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये बारह लोग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ अगली खबर है राज्य सरकार ने किसको अतिरिक्त महाधिवक्ता नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया है ऑप्शन है श्रीमती नीलोफर खान श्री अरुण कुमार जोशी श्री रमेश जोशी श्रीमती कमिला मीणा सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीमती नीलोफर खान तो राज्य से संबंधित जो भी प्रकरण है उनकी पैरवी के लिए और दिल्ली में इससे जुड़े क्या कुछ प्रकरण चल रहे हैं इनसे राजस्थान या राज्य की पेशकश के लिए श्रीमती नीलोफर खान जी को कहां से राजस्थान की तरफ से या राज्य की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किया गया है यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तो इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहिए रिवीजन करते रहिए शुक्रिया